हालेलुया 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 धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित आलु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज का ये सुंदर और अद्भुत समय पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया प्रभु, मदद किया सहायता किया है पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत रात्रि के समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत रात्रि का समय फिर से एक और वह प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, मदद किया, सहायता किया, हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा किया है प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। जितने भाई और जितने बहन इस रात्रि प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक जीवन के दुखों और दर्दों को दूर कर दीजिए प्रभु जी। हर एक कष्ट और कलेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक के जीवन के दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए। हर एक दुख और दर्दों को दूर करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं। हर एक के जीवन में बड़े बड़े खुशियों को लेके आइए प्रभु। आज के प्रार्थना को जितने भाई बहन सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आप अपने महान दया और कृपा को लेके आइए, मदद और सहायता कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए। हर प्रकार के दुख और दर्द को प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, ताकि यीशु मसीह के नाम में हर एक जीवन के दुख और दर्द एक एक जीवन के अंदर से निकल जाए। दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आशीष और बरकत प्रभु हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर से सारे दुख और दर्द को दूर करने वाला पिता है। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। मदद और सहायता करना, दया और कृपा करना हमारे जितने भाई और बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर देना, ताकि हमारे हर एक भाई बहनों का जीवन का दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन की दुख और दर्द निकल जाने पाए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष और बरकत हर एक के जीवन के ऊपर देने वाला प्रभु, आपके नाम की हम महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दया और कृपा प्रभु हम आपसे चाहते हैं। आप आशीष करने वाला प्रभु है, मदद करने वाला परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला पिता है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम आपसे विनती और दुआ करते हैं, मदद और सहायता चाहते हैं, दया और कृपा चाहते हैं प्रभु। हर एक के जीवन की दुख और दर्दों को दूर करना, कष्ट और क्लेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देना, ताकि हर एक के जीवन की समस्याएं और दुख, हर एक प्रकार की कष्ट और क्लेश हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए। हमारे हर एक भाई और बहन अपने जीवन में आशीष और बरकतों को देखे प्रभु, ऐसी आशीष और बरकत देना, मदद और सहायता करना, हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के दुख और दर्द को दूर कर देना प्रभु जी, क्योंकि सारे आश्चर्य कर्मों को करने वाला, सारे आशीष को हमारे जीवन के ऊपर प्रतिदिन लेके आने वाला प्रभु आप हमारा पवित्र और जीवित खुदावंद यीशु है। हमारे जीवन के ऊपर मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। जितने भाई और बहन आज के सुंदर और अद्भुत रात्रि के समय हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे हैं, कलीसिया भवन बनवाने में हमारे मिनिस्ट्री को मदद और सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु, अपने पैसों को हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेज रहे हैं, ताकि कलीसिया भवन जल्द से जल्द बने और वहाँ लोग आके महिमा कर सके, इन सारे बातों के लिए भी प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। कोई भाई बहनों को मदद करना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आज से ही बड़ी बड़ी खुशियों को लाना पिता परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया, मदद किया, अपने दान और दशमांश को भेज के, अपने डोनेशंस को भेज के, अपने पैसों को भेज के हमारे मिनिस्ट्री को मदद किया कलीसिया भवन बनवाने में पिता, उन सारे भाई बहनों को भी पिता हम आपके चरणों के निकट लेके आते हैं। आशीष और बरकत करना, दया और कृपा करना, मदद और सहायता करना, हर एक जीवन के दुख और दर्द को दूर कर देना प्रभु। आशीष और बरकत देने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर करने वाला प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, दया और कृपा चाहते हैं पिता। मदद और सहायता करना, दया और कृपा कर दें, हर एक प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेशों को, हर प्रकार की समस्याओं को एक एक जीवन के अंदर से निकाल देना, ताकि हर एक प्रकार के जीवन के दुख, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश यीशु मसीह के नाम में जीवनों के अंदर से निकले और यीशु के नाम में एक एक जीवन आशीषित हो जाने पाए। आशीष और बरकत देने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर करने वाला प्रभु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं,
महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर आशीष और बरकतों से, मदद और सहायताओं से प्रभु हर एक के जीवन को भरिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक दुख और दर्द को दूर कर दीजिए। प्रभु आशीष और बरकत देने वाला पिता, मदद और सहायता करने वाला प्रभु, हर एक के जीवनों को आशीषों से भर देने वाला पिता, हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। मदद और सहायता कीजिए, दया और कृपा कीजिए, मदद कीजिए, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर कर देना प्रभु जी। हर एक हमारे भाई बहनों को मदद कीजिए, पूरी तरह से हर एक दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए, कष्ट और कलेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए। हर एक समस्याओं का समाधान प्रभु आपके पास है, हर एक दुखों का समाधान पिता आपके पास है। आप ही हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कर सकता है, मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, हर एक के जीवन के ऊपर आशीष और बरकतों से भर सकता है पिता। इन सारे बातों के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दया और कृपा प्रभु हम आपसे चाहते हैं, आशीष और बरकत, मदद और सहायता लेके आइए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक जीवन की दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को और समस्याओं को हर एक जीवन के अंदर से निकालिए, ताकि हमारे हर एक भाई और बहन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए। समस्या और दुख और दर्द और कष्ट और क्लेश हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाए यीशु के नाम में। एक एक जीवन आशीषित होने के लिए प्रभु, हर एक के जीवन के अंदर से सारे दुख और दर्द दूर होने के लिए पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना और विनती करते हैं, दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि दुनिया का लोग प्रभु हमारे जीवन को नहीं चाहता है कि बढ़ते हुए देखे, लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन को चाहता है कि मेरे बच्चे और मेरे जितने भी भाई बहन है वो सारे लोग बढ़े। पिता हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, और हम चाहते पिता जितने भाई और बहन इस को सुन रहे प्रभु, हर एक हमारे भाई बहन पिता परमेश्वर अपने जीवन के अंदर बड़े बड़े आशीषों को देखे, बरकतों को देखे, अपने जीवन के अंदर से सारे दुख और दर्द को दूर होता हुआ देखे, कष्ट और क्लेशों को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखे। पिता परमेश्वर आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, समस्याओं को दूर कर दीजिए, दुख और दर्द कष्ट और क्लेशों को हर एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए। पिता परमेश्वर आप आशीष और बरकत करता, मदद करता, सहायता करता, हर एक के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीषों और बरकतों को लेके आता पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, दया और कृपा करते हैं पिता परमेश्वर, मदद और सहायता कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन के ऊपर, दया और कृपा करिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक हमारे भाई बहनों की दुख और दर्द, कष्ट और क्लेश और समस्याएं एक एक जीवन के अंदर से निकल जाए, कष्ट और क्लेश एक एक जीवन के अंदर से निकल जाने के लिए, दुख और दर्द एक एक जीवन के अंदर से दूर हो जाने के लिए पिता हम आपके चरणों के निकट आए हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, कि दुनिया प्रभु हमें मदद नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु आप यहोवा खुदा है, आप मदद करने वाला परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। आप हमेशा कहता है कि मेरे बोझ से हुए दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पिता आज हम आपके चरणों के निकट आते हैं, हम सारे भाई बहन मिलके आपसे प्रार्थना और विनती दुआ करते हैं, मदद और सहायता और अनुग्रह कीजिए, आशीष और बरकत कीजिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कर दीजिए, हर एक के जीवन के अंदर से कष्ट और क्लेशों को एक जीवन के अंदर से निकालिए प्रभु जी, ताकि यीशु मसीह के नाम में एक जीवन आशीषित हो, समस्या दूर हो जाए, दुख और दर्द कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाने पाए। पिता परमेश्वर आशीष करिए प्रभु, मदद करिए पिता परमेश्वर, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, हर एक के जीवन के दुख और दर्द को दूर कर दीजिए, हर प्रकार के कष्ट और क्लेशों को एक एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी, ताकि एक एक जीवन यीशु के नाम में आशीषित हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द एक एक जीवन के अंदर से निकल जाए। पिता परमेश्वर आशीष और बरकत कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कीजिए, कष्ट और क्लेशों को एक एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, मदद और सहायता कीजिए, हर एक जीवन के दुख और दर्दों को निकाल दीजिए। प्रभु आप आशीष करता, मदद करता, सहायता करता, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर करता, कष्टों और क्लेशों को एक एक जीवन के अंदर से निकालता। प्रभु हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते पिता परमेश्वर, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हर एक के जीवन के दुख और दर्द को दूर कर दीजिए पिता, कष्ट और क्लेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारे हर एक भाई और बहन अपने जीवन के अंदर महान महान आशीषों को देखे, दुख और दर्द को दूर होता हुआ देखे, कष्टों और क्लेशों को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखे। प्रभु ऐसी आशीष और ऐसा बरकत कीजिए, ऐसा मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु, हमारे भाई और बहन प्रभु प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर महान महान आशीष को देखे, बरकत को देखे, अपने जीवन के अंदर से दुख और दर्दों को, कष्ट और क्लेशों को और समस्याओं को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखे प्रभु जी। आप ऐसे आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हर एक हमारे भाई बहनों को आप ढेर सारी आशीषों से
बरकतों से, दया और कृपाओं से भर दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहनों को आप मदद और सहायता कर दीजिए पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत देने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, हरेक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर करने वाला प्रभु, आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, दुख और दर्द को हमारे जीवन के अंदर से निकालने के लिए, कष्ट और क्लेशों को हमारे जीवन के अंदर से दूर करने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रतिदिन ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, दुख और दर्द को दूर करने के लिए हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन के अंदर बड़ी बड़ी खुशियां और आशीषों को लेके आने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, जितने भी हमारे भाई बहन दुख में पड़े हुए हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, कलेश में पड़े हुए हैं, समस्याओं में पड़े हुए पिता, हर एक हमारे भाई बहन अपने जीवन में आशीष को देखे, बरकत को देखे, दुख और दर्द को, कष्ट और कलेश और समस्याओं को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु। आप आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, मदद और सहायता कर दीजिए प्रभु। हमारे हर एक भाई बहनों को प्रभु अपने महान आशीषों से भर दीजिए, दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हमारे हर एक भाई और बहन यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, अपने जीवन के अंदर से सारी समस्याओं को दूर होता हुआ देखे, कष्ट और कलेशों को दूर होता हुआ देखे, क्योंकि प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है। आप चाहे तो हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है, आप चाहे तो हमारे जीवन को आगे लेके जा सकता है पिता, और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आप हरेक के जीवन को आशीषित करें, मदद करें, सहायता करें, हरेक हमारे भाई बहनों को ढेर सारी आशीष और बरकतों से भर दे। इन सारे बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को और समस्याओं को एक एक हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी। आशीष और बरकतों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, मदद करने वाला, हरेक के जीवन की दुख और दर्दों को दूर करने वाला प्रभु आप ही हमारा पवित्र और जीवित परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आशीष और बरकत हमारे जीवन के ऊपर देने वाला प्रभु है। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जीवित सेनाओं का यहोवा आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। आशीष और बरकत लेके आइए, हर एक के जीवन को आशीषों से भर दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए, कष्ट और कलेशों को और समस्याओं को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारा पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मदद करने वाला प्रभु है, एक एक जीवन के ऊपर अपने महान आशीषों को, बरकतों को लेके आने वाला पिता है। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी कष्ट और जो भी पिता, हर एक जीवन के कष्ट और कलेशों को, हर प्रकार की दुख और दर्दों को, हर प्रकार की समस्याओं को एक एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए, कष्ट और कलेशों को हर एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए पिता। हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। दया और कृपा आपको देते पिता, मदद और सहायता कीजिए, अद्भुत और अनुग्रह कर दीजिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और कलेश को, हर प्रकार की समस्याओं को एक एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु, ताकि हमारे हर एक भाई और बहन अपने जीवन में ढेर सारी आशीषों को देखे, बरकतों को देखे, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखे प्रभु। यह सारी आशीष और बरकत प्रभु आप ही हर एक के जीवन के ऊपर लेके आ सकता है, दुख और दर्द को दूर कर सकता है, कष्ट और कलेशों को हर एक जीवन के अंदर से निकाल सकता है। इन सारे बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका ही एक नाम है प्रभु, जो हमारे जीवन को आशीष देता, बरकत देता, हमारे जीवन की हर प्रकार की दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेशों को और समस्याओं को हमारे जीवन के अंदर से निकाल देता पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। मदद और सहायता कीजिए, दया और कृपा कीजिए, अनुग्रह और आशीषों से, बरकतों से प्रभु हमारे हर एक भाई बहनों को भर दीजिए प्रभु, ताकि यीशु के नाम में हमारे हर एक भाई और बहन आशीषित हो जाए, समस्याएं हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकल जाए, कष्ट और क्लेश हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकल जाने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना और विनती दुआ करते हैं, मदद और सहायता चाहते हैं, दया और कृपा चाहते हैं प्रभु। आप ही हमारे जीवन के दुख और दर्दों को दूर कर सकता, कष्ट और क्लेशों को निकाल सकता, समस्याओं को हमारे जीवन के अंदर से दूर कर सकता पिता। हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकत से भर दीजिए हर एक भाई बहनों को, हर एक हमारे भाई बहनों के
जीवन के अंदर से सारे दुखों और दर्दों को निकालिए, कष्ट और क्लेशों को दूर कीजिए, समस्याओं को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप हमारा जीवित और पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, हमारे जीवन के अंदर से हर एक दुखों और दर्दों को दूर करने वाला पिता है। हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकत देना, मदद और सहायता करना, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर कर देना प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और आप ही हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत दे सकता है, दुख और दर्द को दूर कर सकता है, कष्ट और कलेशों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल सकता है पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के लिए आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रतिदिन हर एक के जीवन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आशीष और बरकत है कि जीवन के ऊपर लेके आने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह और आशीषों से भरी हरे के जीवन को, क्योंकि प्रभु बगैर आपके दया और बगैर आपके कृपा के कोई भी जीवन परमेश्वर कभी भी आगे नहीं जा सकता। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हरे के जीवन को आशीषित करें, मदद करें, सहायता करें, हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर करें, कष्ट और क्लेशों को हरे के जीवन के अंदर से निकाल दे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आशीष और बरकत लेके आइए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक के जीवन के दुख और दर्द को दूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी कष्ट है, जितने भी क्लेश है, जितने भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम में सारी समस्या दूर हो जाए, सारा दुख दर्द हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए, कष्ट और क्लेश हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए, और यीशु के नाम में एक एक जीवन आशीषित हो जाने पाए पिता परमेश्वर। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आशीष और बरकत कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को प्रभु जी आप पूरी तरह से हर एक हमारे भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, ताकि कोई भी जीवन इन दिनों में दुख में ना रहे, कष्ट में ना रहे, क्लेश में ना रहे, समस्याओं में ना रहे प्रभु। हर एक जीवन समस्याओं से आज़ाद हो जाए, दुखों से आज़ाद हो जाए, कष्ट और क्लेशों से आज़ाद हो जाए, और हमारे भाई, हर एक भाई और हर एक बहन आशीषित हो जाए प्रभु। आशीष करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन के ऊपर लेके आने वाला प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आशीषों से हमारे जीवन को भर देने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते पिता, बड़ाई और प्रशंसा हम आपसे चाहते पिता। मदद और सहायता कर देना, अनुग्रह कर देना, जितने भाई और बहन प्रतिदिन इस प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु, और प्रतिदिन हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट करते, कलीसिया भवन बनवाने में हमारी आर्थिक रीति से मदद करते, उन सारे भाई बहनों को भी प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक जीवन को आप ढेर सारी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, हर एक उन सारे दुखों को और हर एक तमाम कष्ट और कलेशों को हर एक जीवन के अंदर से निकाल दीजिए प्रभु, हर एक जीवन को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि एक एक लोग अपने जीवन के अंदर आशीषों को देखे, बरकतों को देखे, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को और समस्याओं को अपने जीवन के अंदर से निकलता हुआ देखे। महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, मदद करने वाला प्रभु, सहायता करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह और आशीष हर एक जीवन के ऊपर देने वाला पिता, हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आशीष और बरकतों से हर एक जीवन को भर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, हर एक दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए पिता, ताकि हमारे हर एक भाई और बहन यश मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, हर प्रकार की समस्याएं एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाए, दुख और दर्द एक एक जीवन के अंदर से निकल जाए, कष्ट और क्लेश एक एक जीवन के अंदर से निकल जाए प्रभु। आशीष करना, मदद करना, सहायता करना, हर एक के जीवन को आशीषों और बरकतों से भर देना, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को और समस्याओं को एक एक जीवन के अंदर से निकाल देना। मदद और सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष और बरकत हर एक जीवन के ऊपर देने वाला प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आपने एक एक जीवन को आशीषित किया, मदद किया, सहायता किया, हर एक के जीवन के दुख और दर्दों को दूर कर दिया। धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन।
सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष और बरकत दे। आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी आशीषों और बरकतों से भरे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है और महान है। हमारे जीवन के ऊपर आशीष बड़े कार्यों को करने वाला खुदा है। अगर आप भी चाहते हैं हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट करना और अपने दान और दशमांश को, अपने डोनेशन को हमारे मिनिस्ट्री को मदद करने के लिए भेजना और कलीसिया भवन बनवाने में हमारी आर्थिक रीति से मदद करना, तो डिस्प्ले पे दिए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं, ताकि कलीसिया भवन हम जल्द से जल्द बनवाएं और वहां पे लोग आके परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें और परमेश्वर का नाम और भी ऊँचा हो सके। अगर आप चाहें तो आप जरूर हमारी मदद करें। परमेश्वर आप सबों की जरूरतों को पूरा करें, आपके जीवन में बड़े बड़े खुशियों को, बड़े बड़े आशीषों को लेकर आए। सभी को जय मसीह की।